अष्टावक्र गीता में से आज मैं आपके सामने तीसरा प्रकरण लेके आया हूँ, जहाँ पर राजा जनक की परीक्षा होगी। तो अष्टावक्र जी को ये आश्चर्य हुआ कि राजा जनक को उनके वक्तव्य सुनने मात्र से ही आत्मज्ञान कैसे हो गया। अतः उन्होंने राजा जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं दी। वह उनसे कई प्रश्न करके वास्तविकता जानना चाहते थे कि कहीं राजा जनक को आत्मज्ञान होने की कोई भ्रांति तो नहीं हो गई है। राजा जनक के उत्तर के आधार पर ही अष्टावक्र जी उनके ज्ञान को मान्यता देंगे, क्योंकि वह सामान्य शिक्षक थोड़ी हैं, वे गुरु हैं जो अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मुक्त कर देता है। तो आइए जानते हैं कि अष्टावक्र जी के प्रश्नों के क्या उत्तर दिए श्री राजा जनक जी ने। राजा जनक जी कहते हैं कि ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, पर उनके कर्मों में अंतर होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, वह सब कर्म विवेकपूर्ण ढंग से स्वाभाविक रूप से करते हुए अपने को करता है। वह सभी कर्म ईश्वर के एवं उनके लिए ही करता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसका उपयोग कृतज्ञता पूर्वक करता है। ज्ञानी समझता है कि दुनिया को ईश्वर ही चला रहा है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी प्रसन्न रहता है। वह संसार को स्वप्नवत समझता है। इसके विपरीत अज्ञानी अहंकारी होता है। वह सब कर्म कर्ता बनकर कर्म फल के भोग के लिए करता है। उसमें ईर्ष्या द्वेष रहता है, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है। वह समझता है कि सारी दुनिया उसी के बल पर चल रही है। अज्ञानी सब कुछ होते हुए भी दुखी एवं चिंतित रहता है। वह मरते समय तो रोता ही है, जीवित रहते भी रोता रहता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर रहता है। राजा जनक कहते हैं कि हे सद्गुरु, मुझे इसी प्रकार की अनुभूति हुई है। ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों कर्म करते हैं, पर अज्ञानी कर्म फल की आकांक्षा करता है, जिससे वह लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं एवं अपेक्षाएं हैं। राजा जनक कहते हैं कि इच्छाओं के कारण ही इंद्र एवं अन्य देवता दीन दुखी हो रहे हैं। वासनाग्रस्त होने के कारण वे आत्मा रूपी एवं मुक्ति रूपी प्रमाद को नहीं पा सकते। अष्टावक्र जी से राजा जनक निवेदन कर रहे हैं कि मैं उस परम पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूँ, क्योंकि मैं द्वंद्व से ही पार हो गया हूँ। यह द्वंद्वातीय स्थिति ही मुक्ति है। मैं अप्राप्त और अप्राप्त में संभाव रखता हूँ। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्मपद पर स्थित हूँ। अंतःकरण का दोहरा कार्य है। जब यह शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है तो यह पाप पुण्य का भागी होता है, किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है, पाप पुण्य का भागी नहीं होता। चित्त वृत्ति के अहंकार रहित होने पर ही अंतःकरण का शुद्ध होता है। आत्मज्ञानी का अहंकार एवं कर्तापन खो जाने से पाप पुण्य का प्रभाव उस पर नहीं होता, क्योंकि कर्तापन पाप पुण्य का कारण होता है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मपद को प्राप्त व्यक्ति के अंतःकरण का स्पर्श ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। साधारण लोग अक्सर कहते हैं कि ज्ञानी भी संसारी जैसा कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी है, पाखंडी है। उसने कपड़े नहीं छोड़े, महल नहीं छोड़े, सब राग रंग वैसा ही है, अतः यह ज्ञानी हो ही नहीं सकता। वास्तव में जब अज्ञानी ज्ञानी कैसा होता है इसकी परिभाषा करते हैं तो अपनी मूर्ता उस पर थोप देते हैं कि ज्ञानी को नंगा रहना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए आदि। राजा जनक को ज्ञान हो चुका है, अतः इसकी सही व्याख्या कर पा रहे हैं, इसको अष्टावक्र जैसा ज्ञानी ही समझ सकता है। इसी संदर्भ में राजा जनक कहते हैं कि जिसने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, वह सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियमानुसार सब कार्य एवं व्यवहार करता है। जो स्वविवेक पर आधारित होते हैं, वह मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर आदि की इच्छा अनुसार नहीं चलता। वह सब बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्रता का अनुभव करता है। पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, दया क्षमा आदि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं, जो मात्र अज्ञानी के लिए हैं।
अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इन सब से पार हो जाता है, उसे एकत्व का बोध होता है, फिर कोई पाप पूर्ण नहीं रह जाता। राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी का कोई संप्रदाय नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनके सिद्धांतों व कार्यों में भिन्नता भी नहीं होती, वे जो सत्य है वही कहते हैं। अज्ञानियों के ढंग अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं, यहाँ तक कि उनके धर्म और ईश्वर भी अनेक हैं, आत्माएं भी अनेक हैं। उनका मत है कि इच्छाएं, वासनाएं, संसार, लोभ, मोह, माया, ममता, धन दौलत सब छोड़ने पर ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि अनेक देवता भी इच्छाओं वासनाओं से ग्रस्त हैं, वही अपनी इच्छा और अनिच्छा को छोड़ने में समर्थ नहीं है। आत्मज्ञानी इन दोनों को रोकने में समर्थ है, इसलिए छोड़ने से ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान अवस्था में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो असार है वह अपने आप छूट जाता है। क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, यह ज्ञानी अपने विवेक से निर्धारित करता है। राजा जनक कहते हैं कि इस संसार में लोग नए नए मुखौटे लगाकर ज्ञानी बने घूमते हैं, फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कबीरपंथी, नानकपंथी, शैव, वैष्णव आदि हैं, किंतु इनमें विरला ही यह जानता है कि आत्मा एक ही है एवं संपूर्ण सृष्टि उसी का विस्तार है। सृष्टि, आत्मा तथा ईश्वर भिन्न नहीं है, सृष्टि एवं सृष्टा भिन्न नहीं है, ऐसा जानने वाला ही ज्ञानी है। उसे किसी का भय नहीं होता, भय मात्र द्वैत में होता है, अद्वैत में नहीं। इस प्रकार राजा जनक ने अष्टावक्र जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बड़े सार गर्भित तरीके से देकर आत्मज्ञान को प्राप्त होने की पुष्टि कर दी।